आरव में इसे जरा सभी अंदर से हमें कहा और क्या कर सकता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक वो अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंह का माय का बाहर खुले में शेर की तरह। फाइनली दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी सिंघम 3 की। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रहा इस मूवी से बड़ा अपडेट, कब तक की जाएगी ये मूवी रिलीज, कौन कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे और वही इस मूवी की कहानी किस तरीके की होने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंघम 3 एक एक्शन फिल्म होने वाली है जिसका ऑफिशियल टाइटल नेम होने वाला है सिंघम अगेन। जी हाँ दोस्तों, सिंघम 3 मूवी का नाम सिंघम 3 नहीं बल्कि सिंघम अगेन रखा गया है जो कि फिफ्थ इंस्टॉलमेंट होने वाली है रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन तो रोहित शेट्टी देंगे ही और उनके डायरेक्शन का मतलब साफ है कि एक्शन काफी ज्यादा होने वाला है जिसमें गाड़ियां तो उड़ती हुई नजर आएंगी ही और साथ ही बमबारी भी काफी ज्यादा होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी में यानी कि सिंघम अगेन में सिंघम यानी कि अजय देवगन जाएंगे पाकिस्तान और जैकी श्रॉफ जो कि इस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं उनसे फाइट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी गई थी या फिर कहें पुष्टि कर दी गई थी सूर्यवंशी मूवी के एंड में। और वही अब हाल ही में एक और अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो कि इस मूवी में लेडी कॉप का रोल प्ले करती नजर आएंगी। दोस्तों आपको बता दूं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बाद दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी एक ही सेट पर एक साथ नजर आएंगे और वही इस मूवी में मेन लीड हीरो का रोल तो अजय देवगन ही प्ले करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों खबरें निकल के आ रही है कि इस मूवी में आपको चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है तो वास्तव में देखने लायक होगा। और वहीं अगर हम बात करें इस मूवी की शूटिंग की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तो रोहित शेट्टी सर्कस मूवी के प्रमोशन में बिजी हैं और वहीं अजय देवगन बिजी हैं अपनी अपकमिंग मूवी भोला में। और वहीं अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण की तो वो पठान और फाइटर में बिजी हैं, तो यानी कि सभी लोग तो अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो यह तो कंफर्म हो चुका है कि हाल ही में इस मूवी की शूटिंग नहीं शुरू होने वाली बल्कि इस मूवी की शूटिंग शुरू करी जा सकती है अगले साल यानी कि 2023 में। ऑब्वियसली इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2023 के एंड या फिर 2024 में। दोस्तों अगर इस मूवी से कोई अनाउंसमेंट होती है तो आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।